हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, काफ़ी न्यूमेरिकल गए थे फैराडे लॉ के बेस पे। और आज हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके बारे में लेंज ने बताया था। लेंज नाम का एक साइंटिस्ट था, इसलिए इसका नाम पड़ गया लेंज लॉ। ये क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजिज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस टाइप से आनी चाहिए कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से रोकेगा। कैसे, मतलब हर प्रकार से अपोज करना है, ठीक है ना। और अगर इसको इंड्यूस ईएमएफ की टर्म में लिखें तो ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी होती है। तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजिज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कैसे, इलस्ट्रेशन ले। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये मेरे पास लूप है। अगर मैं कहता हूँ मैग्नेट रेस्ट पे, सुनना जरा ध्यान से बेसिक बातें, तो इसकी मैग्नेट लाइन से फोर नॉर्थ से साउथ जाती है, तो इसके अंदर से ऐसे जाएंगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये अगर रेस्ट पे है तो इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट। फ्लक्स अगर कांस्टेंट तो ईएमएफ जीरो, तो करंट भी जीरो, कहाँ से डायरेक्शन आएगी। ठीक बात है, तो रेस्ट पे है तो कुछ नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कहता हूँ मैग्नेट इधर जा रहा है, मैग्नेट अगर इधर जा रहा है तो क्या नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, जब ये नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और इंड्यूस करंट इस टाइप से आना चाहिए कि वो इसके इंक्रीज का अपोज करें। तो मुझे पता है अगर किसी लूप में करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल आता है, और अगर क्लॉकवाइज करता है तो बेटा साउथ पोल आता है। पता है मुझे इस चीज़ का, ठीक है। तो इस टाइप से करंट फ्लो करे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाए। नॉर्थ पोल क्यों आ जाए, क्योंकि नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो पास जाने से रोकेगा। क्यों, ये फ्लक्स के चेंज का अपोज करना चाहता है। अपोज कब होगा, जब नॉर्थ पोल इसके पास आने से रुकेगा, अपोज होगा। तो नॉर्थ जब पास जाएगा तो नॉर्थ आ जाएगा तो अपोज होगा, और नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ऐसे। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये लूप ऐसे है तो ये ऐसे जाना चाहिए करंट, समझ गए ना। तो ऐसे जाना चाहिए, इसका मतलब इधर से ऐसे, क्लियर। अरे बोलो, ठीक है ना, इसको ऐसे मान के चल रहे हैं, क्लियर। तो क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। अगर मैं कहूँ भाई ये साउथ ये नॉर्थ, इस बार ये वापस आ रहा है, तो अगर बेटा ये वापस आ रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने का अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या आना चाहिए फिर, यहाँ पे ये दूर जा रहा है, दूर जाने से रोकेगा तो साउथ पोल आना चाहिए, और साउथ पोल आने के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। अरे बोलो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए ऐसे, क्लियर, बात समझ में आ गई। ऑब्जर्वर दोनों ही केस में किधर है, इधर, ध्यान रखना। ऑब्जर्वर दोनों केस में इधर है, क्योंकि ऑब्जर्वर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा। जैसे इसका ऑब्जर्वर यहाँ है तो इधर से देख रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ ऑब्जर्वर लगा दूँ तो उसके लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज, साउथ पोल, क्लियर है ना। ये तो आपको पता है पीछे से, तो ऑब्जर्वर का रोल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई लेंज लॉ है, इसकी वजह से करंट आ जाता है। करंट आता है, इंड्यूस ईएमएफ भी आता है, पहले इंड्यूस ईएमएफ आता है फिर करंट आता है, इतना तो हमें पता है। क्वेश्चन ये है, बिना बैटरी के करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ वॉयलेट हो रहा है, पता नहीं, तो देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंज लॉ, ये क्या कहता है, वही सिचुएशन अभी वाली,
ये साउथ, ये नॉर्थ और ये इधर, सुनना ध्यान से, ये ऐसे गया, यहाँ पे ये गया तो आपको पता है नॉर्थ पोल आया, तो नॉर्थ पोल आया तो इसने इसका अपोज किया, तो हम क्या लिखें, मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट अगेंस्ट रिपल्सन या मैग्नेटिक रिपल्सन अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ या ना? और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही तो क्या होती है, इंड्यूस ईएमएफ या करंट, बोलो इंड्यूस ईएमएफ या करंट, हाँ या ना? ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओबे करता है क्योंकि एक टाइप की एनर्जी दूसरे में एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, आईसीएसई बोर्ड में भी आ जाता है या स्टेट बोर्ड में भी आ जाता है, कोई बात नहीं है, किसी में भी आ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। क्या बेटा? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, देखो सपोज करो मेरे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए मेरे पास ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट किस टाइप से आएगा, सिंपल सी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसके अंदर से फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, फील्ड इनवर्ड है तो फील्ड अंदर जा रहा है तो उसको अंदर जाने से रोकेगा, रोकेगा तो मतलब फील्ड बाहर आना चाहिए, बाहर आने का मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा तभी तो बाहर आएगा, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि अगर यहाँ नॉर्थ पोल आएगा तो फील्ड बाहर आएगा और वो अंदर जाने का अपोज करेगा, क्योंकि अगर ये अंदर आ जाता तो अंदर वाले का सपोर्ट करता, अपोज करने के लिए फील्ड बाहर आ जाएगा। बात खत्म, समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो बताओ कैसे आएगा। अब यहाँ देखो फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर जा रहा है तो फील्ड डिक्रीज हो रहा है अंदर जाता हुआ, तो डिक्रीज का अपोज करेगा, और डिक्रीज का अपोज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज होने से रोकेगा इसका मतलब उसी डायरेक्शन में, तो अंदर की डायरेक्शन आने का मतलब क्या हुआ, साउथ पोल, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, हाँ या ना? अगर डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, इंक्रीज हो रहा है तो अपोज करेगा, या डिक्रीज था सपोर्ट कर रहा है, अंदर था तो अंदर ही ले गया, साउथ का मतलब अंदर। ठीक है, ये हो गया भाई, कर सकते हैं हम लोग। अब अगर मैं ऐसे ही इसके अंदर डॉट लगा दूं तो सोच के देखो, हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, फील्ड आउटवर्ड है और मैं कहता हूँ बी इंक्रीज हो रहा है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जरा सोच के देखो, फील्ड कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, बाहर आ रहा है, और बाहर आता हुआ बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा तो कहाँ जाएगा, अंदर, अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, सॉरी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, साउथ, बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इतना तो पता होगा ना कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब फील्ड बाहर आएगा, साउथ का मतलब अंदर जाएगा, इतना तो पता होगा ना, साउथ का मतलब अंदर जाएगा और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, ये बात है आपको बेसिक पता है, पीछे पढ़ी हुई हमने, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज बाहर जाएगा, तो ये बाहर था, बाहर का अपोज करेगा अंदर, अंदर के लिए क्या आएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, और देखो सपोज करो मेरे पास इनवर्ड फील्ड है, फील्ड कांस्टेंट है, इसके अंदर यहाँ पे एक लूप है, लूप की रेडियस इंक्रीज हो रही है, आर इंक्रीज, तो रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा, बोलो रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि आर इंक्रीज एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो ज़्यादा लाइन अंदर जाएंगी, और ज़्यादा लाइन अंदर जाएंगी इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज, ये कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर की वजह क्या आना चाहिए, बाहर, अरे बोलो
फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जाने का हमें अपोज करना है, अपोज करना तो क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, तो बाहर के लिए क्या आना चाहिए, नॉर्थ पोल। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में आ गई। और अगर मैं कहता हूँ ये लूप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज का अपोज करेगा मतलब सपोर्ट करेगा, अंदर जा रहा है तो अंदर, इसका मतलब क्लॉकवाइज, बात समझ में आ रहे हो। तो बेसिक चीज़ें यही है और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, इजी इजी क्वेश्चंस। सपोज करो मेरे पास ये वायर दे रखी है, इधर करंट है, ये लूप है, ठीक है, करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ क्या होगा, जरा सोचो। ये वायर है, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो यूं आ रहा है, तो करंट इधर बाहर की तरफ आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो इधर, और इधर आता हुआ इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को इंक्रीज का अपोज करना है, तो कहाँ जाना चाहिए, अंदर। अरे बोलो कहाँ जाना चाहिए, अंदर। तो ये अंदर जाना चाहिए तो क्या आना चाहिए भाई, बताओ, मेरी बात समझ पा रहे हो, ये इधर जा रहा है, करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो बाहर का अपोज, अपोज के लिए क्या आना चाहिए, सॉरी बाहर जा रहा था अभी अंदर जाएगा, अंदर के लिए क्या आना चाहिए, साउथ, साउथ का मतलब ये अपोज, ठीक है, बात समझ में आई नहीं, वही बातें पहले वाली, करंट यूं जा रहा था, फील्ड बाहर जा रहा था, तो बाहर यूं आ रहा था, और ये बढ़ रहा है तो बाहर का बढ़ रहा है, तो बाहर का अपोज करना है, अपोज करना है तो अंदर जाना चाहिए, अंदर के लिए क्या आ गया, साउथ, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या कहता है, अगर ये बढ़ता है, बढ़ता है तो इसका अपोज कर दो, अपोज कर दो तो ऐसे हो जाएगा इसी का, और अगर इसके अंदर आई डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है सपोर्ट कर दो तो, लेकिन नीचे की तरफ। अब देखो अपना पूरा रूल लगाएं, एक्सप्लेन करें, यूं जा रहा था बाहर, बाहर जा रहा था, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो बाहर की तरफ घट रहा है, तो इसको घटने से रोकना है, रोकना है तो बाहर ही ले आओ, बाहर कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो क्लियर है ना, बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, ठीक है। बाहर जा रहा है, बढ़ रहा है, अंदर ले जाओ, बाहर जा रहा है, घट रहा है, बाहर ही ले आओ, बाहर ले आओ मतलब नॉर्थ, क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलियो। मान लो मेरे पास ये लूप है, करंट कांस्टेंट है, ये जो लूप है ये ऊपर से नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, क्या इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा, सोचो। ये लूप है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, आर अगर डिक्रीज हो रहा है तो फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये लूप जैसे जैसे इसके पास आएगा इसके अंदर से लाइन ऑफ फोर्स बढ़ेंगी, फ्लक्स बढ़ेगा, अरे बोलो, और इसका फील्ड यहाँ से यूँ बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जब नीचे आएंगी तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा, तो बढ़ने का अपोज हो रहा है, क्योंकि ये बाहर आ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो अंदर जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए तो जब ये नीचे पहुँचेगा, ये बाहर आ रहा है तो अपोज करना है, अपोज करना है तो किधर आना चाहिए, ऐसे, बोलो क्लॉकवाइज, क्या बात समझ में आ गई, बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है सारे। सपोज करो इसके अंदर ये स्केयर लूप है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो बेटा इंड्यूस करंट किधर आएगा, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, और अंदर जाने से रोकेगा तो कहाँ आना चाहिए, बाहर, बाहर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अरे बाहर का मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो। फील्ड अंदर जा रहा है, बाहर आना चाहिए, बाहर के लिए नॉर्थ पोल, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर मान लो यही लूप यहाँ से बाहर जा रहा है, अब क्या करें, सोचो। अब ये जब बाहर जा रहा है, इसके अंदर से फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का अपोज होगा, अब फील्ड अंदर जा रहा है और ये अंदर जाता हुआ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इसको सपोर्ट करेगा, तो अंदर ही जाना चाहिए, इसके लिए क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई होगी।
बहुत ही आसान आसान बातें हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ गया उसके बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। लेंज लो काफ़ी इजी है। इसके बाद देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक लूप है, ये इसके अंदर एक छोटा लूप है, इसमें करंट जा रहा है आई और आई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप बी। तो बताओ, सबसे पहली बात, ये करंट यूं जा रहा है तो फील्ड कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। आपको पता, सॉरी, ये यूं जा रहा है, फील्ड कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। तो यहां से फील्ड आउटवर्ड है। ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, और फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का अपोज कर रहा है, बाहर जा रहा है तो अंदर, अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, अंदर का मतलब अंदर जाने के लिए क्लॉकवाइज साउथ। और अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो अंदर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लेंज लो कैसे यूज करना है, कैसे क्या होता है, आई थिंक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और देखो, मान लो ये मेरे पास एक रिंग है, यहाँ पे मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेट इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल? बताओ इधर कौन सी पोलरिटी आएगी अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो? बताइए जरा, कौन सी पोलरिटी आनी चाहिए अगर ऑब्जर्वर इस साइड है तो? देखो, ये यहाँ पे है, ये साउथ पास जा रहा है, पास जाएगा तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा, और ये साउथ पोल है, साउथ पोल है तो मेंटल लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आती हैं, इस टाइप से। अरे नॉर्थ का तो पढ़ लिया था पहले, तो इसके अंदर जा रही है। जब ये इसके पास जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, तो लाइनें इधर जा रही हैं, और जब ये इसके पास जा रहा है तो लाइनें बढ़ रही हैं, बढ़ने का अपोज करेगा, अपोज करेगा तो इधर कौन सा पोल आना चाहिए बेटा? इसके पास आना चाहिए साउथ, और इधर क्या आना चाहिए? नॉर्थ। तो इधर से क्या आएगा? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आई? ये लाइनें इधर आ रही थी, अगर इसके फेस की साइड साउथ पोल आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, तो यहाँ साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट मेंटल लाइन्स ऑफ साउथ से नॉर्थ जाती हैं, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, तो ये लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी तो इसका अपोज करेंगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैग्नेट जो होता है उसकी लाइनें नॉर्थ से साउथ होती हैं बाहर, लेकिन अंदर तो साउथ से नॉर्थ ही होती है ना। तो ये कॉइल है, मैग्नेट है, इसके अंदर से साउथ से नॉर्थ होगी, तो अंदर से इसका अपोज करेगी, अपोज करेगी तो क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? और इधर से अगर ऑब्जर्वर लगा दिया जाए तो उसके लिए क्या होगा? नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो लेंज लो कैसे यूज करना है, क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा? ठीक है ना? और देखो, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक लूप है, ठीक है, और रेडियस डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। बताओ जरा डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, आई इंड्यूस, क्या होगा? सोचो, फील्ड आउटवर्ड, रेडियस डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो इसका फ्लक्स डिक्रीज, फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का अपोज होगा, अपोज करने के लिए क्या होगा? डिक्रीज का अपोज करने का मतलब सपोर्ट करेगा, तो बाहर जा रहा है तो बाहर ही आना चाहिए, बाहर आने का मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर से दो लूप जा रहे हैं, एक स्केयर लूप है वी वेलोसिटी से, और एक सर्कुलर लूप है वी वेलोसिटी से, ठीक है। When both loops either enter or leave the magnetic field, for which loop EMF induced is constant,
किसके लिए कॉन्स्टेंट है? सोचो, जब ये दोनों लूप एंटर करेंगे, सुनना ध्यान से, इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होंगी। क्यों? पहले इतने पोर्शन बढ़ेंगे, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, तो यूनिफॉर्म रेट से इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स अगर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ई क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। ये अगर कॉन्स्टेंट है, रेट फ्लक्स के इंक्रीज होने का रेट अगर कॉन्स्टेंट है तो ई भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो ई भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सर्कुलर लूप के लिए क्या होगा? पहले फ्लक्स थोड़ा बढ़ेगा, फिर ज़्यादा बढ़ेगा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर डिक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स के इंक्रीज होने का रेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा? डी फाई बाई डी टी चेंजेज, तो ई भी क्या होगा? चेंज। तो इसका मतलब सर्कुलर लूप के लिए इंड्यूस ईएमएफ वेरिएबल है, इसके लिए ई क्या है? वेरिएबल, और इसके लिए ई क्या है? कॉन्स्टेंट। अच्छा सवाल है, सीबीएसई में पूछा गया था एक बार, तो कर सकते हैं इस टाइप से। तो बेटा ये था लेंज लॉ, इसके ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़े, कैसे आ सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फील आ गया होगा। आई थिंक कोई भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कोई जेई पूछ लेता है, और बोर्ड में तो काफ़ी आते रहते हैं इस टाइप के। ठीक है बेटा, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।